हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, मजदूरी का समाप्त उत्पादकता का स्थान जो है उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है एडिसम कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है कोर्स भी अवेलेबल है हिंदी के अंदर। तो मजदूरी का समाप्त उत्पादकता का सिद्धांत जो है जर्मन अर्थशास्त्री वान थुनिंग की जो बुक थी दी आइसोलेटेड स्टेट के अंदर, उन्होंने इसको उसके अंदर इलिस्ट्रेट किया। बाद में इसको विकस्टेड वॉलरस और जेबी क्लार्क ने डिवेल्प किया। देखो, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि जब हम एक और श्रमिक लगाते हैं तो वो जो हम एक और लेबर को हमने लगाया उसके अंदर जो कुल आय में वृद्धि होती है और बाकी साधन जो है स्थिर होते हैं, तो उसको हम श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। सीमांत उत्पादकता से मतलब है कुल आय में होने वाली वृद्धि से, और ये कब प्राप्त होती है? जब हम श्रमिक की एक एडिशनल यूनिट या एक लेबर का अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, उससे जो हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड सीमांत उत्पादकता। और जब हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर और लॉन्ग पीरियड के अंदर, दीर्घ काल के अंदर श्रमिक को जो वेजेस मिलती हैं उसकी सीमांत और औसत उत्पादकता के बराबर मिलती है। प्रोफेसर ब्लाग ने इसको परिभाषित किया है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का ये लॉजिक है कि संतुलन की अवस्था में जो लेबर है उसको सीमांत उत्पादकता के मुताबिक जो है वेजेस दी जाती हैं। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कंटेंट्स दैट इन इक्विलिब्रियम ईच लेबर विल बी रिवार्डेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। थॉमस के मुताबिक जैसे किसी निश्चित समय में मालिक तथा श्रमिकों के अंदर रोजगार की प्रतियोगिता होने की वजह से क्या होता है कि जिन्हें मालिक नौकरी देने को तैयार होता है उन श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार मजदूरी की दर दी जाती है। As a result of competition between employer for labor and between worker for employment, a wage rate is determined that is equal to the marginal productivity of the labor force and the employer as the whole they are willing to employ. So these are the assumptions of the marginal productivity theory of wages. Vastu bazaar tatha sadhan bazaar mein puran pratiyogita hoti hai. और श्रमिक की सीमांत उत्पादकता पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है कि जैसे जैसे हम श्रमिक को लगाते जाएंगे उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। और सभी जो श्रमिक होते हैं, लेबर जो होती हैं, एक जैसी होती हैं और एक दूसरे के वो पूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हम उनको एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। और ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वो लॉन्ग पीरियड दीर्घ काल में लागू होता है। और यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि जो उत्पादन की तकनीक है वो स्थिर रहती है और प्रत्येक इकाई जो होती है पूर्णतः गतिशील होती है, जिसके प्रकार एक प्रकार की मजदूरी अलग अलग व्यवसाय के अंदर, अलग अलग ऑक्यूपेशन के अंदर एक जैसी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्योग के दृष्टिकरण से सिद्धांत का विश्लेषण। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वहां पे जो मजदूरी की दर होती है उद्योग निर्धारित करती है, उद्योग फिक्स करती है, जो उद्योग फिक्स करती है उस प्रचलित दर पे फर्म जितने चाहे मर्जी लेबर रख सकती है। और ये वहां पे उद्योग जब मजदूरी की दर निर्धारित करती है तो वहां पे करते हैं जहां पे श्रम की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित है और श्रम की पूर्ति को स्थिर माना जाता है। और जनरली क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे इसका कर्व जो है वाई के समानांतर होता है। तो यहाँ पे जो मांग है उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मांग के मुताबिक मजदूरी दर निर्धारित की जाती है। अगर मांग ज्यादा है तो ज्यादा मजदूरी, अगर मांग कम है तो कम मजदूरी।
किसी उद्योग की मांग वक्र उद्योग में जितनी भी फर्में होती हैं उनकी सहायता से हम खींच सकते हैं। तो हमें उद्योग के सभी फर्मों के मांग वक्र को जोड़ना होता है, लेकिन लंबे समय के अंदर दीर्घकाल में फर्मों की संख्या स्थिर नहीं होती, तो इसलिए हम उसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो है उद्योग का मांग वक्र जो होता है फर्म के मांग वक्र के बिल्कुल एक समान होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जो सीमांत मजदूरी है, जो औसत मजदूरी है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओएक्स पे हम लेते हैं श्रमिक और यहाँ पे हम लेते हैं एमआरपी एंड वेजेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सप्लाई कर्व है लेबर का जो कि फिक्स्ड है और वाई एक्सिस के समानांतर है, और यहाँ पे जो डिमांड है इसको ई बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जो रेट है इक्विलिब्रियम वेज रेट है, और यहाँ पे वेज रेट जो है एमआरपी के बराबर है। जैसे कि उद्योग के द्वारा मजदूरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमने स्टडी किया था उद्योग जहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मजदूरी की दर निर्धारित की जाती है। अब हम देखते हैं कि फर्म के दृष्टिकोण से हम सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं। उद्योग जो है मजदूरी दर फिक्स करता है, तो फर्म को ये तय करना पड़ता है कि जो मजदूरी दर इंडस्ट्री ने उद्योग ने फिक्स करती है उस मजदूरी पे वो कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। फर्म संतुलन में वहां होती है जहां पे एमआरपी जो है एमडब्ल्यू के बराबर होती है। तो संतुलन बिंदु पर जो सीमांत उत्पादिता है, सीमांत वक्र मजदूरी वक्र ऊपर से नीचे जो है ऊपर से कटकर नीचे से आती है,